अरविंद केजरीवाल को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 104 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं श्रिया गुप्ता, आप देख रहे हैं oneworldnews.com। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल को 26 जून को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिसके तहत आज जस्टिस सूर्यकांत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला लिया। हरियाणा में आज से ही चुनाव प्रचार का असली दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि बीते कल यानी 12 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी। इसके अलावा दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लगने की आशंकाएं जताई जा रही है। इसके पक्ष में ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के जेब में बंद होने के कारण देश की राजधानी का काम रुका हुआ है। फिलहाल राष्ट्रपति ने दिल्ली के बीजेपी विधायकों की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को केंद्रीय गृह सचिव के पास विचार के लिए भेजा है, लेकिन केजरीवाल की वापसी ने शायद भाजपा की इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर होते तो गठबंधन को लेकर सकारात्मक नतीजे आ सकते थे, क्योंकि उनके संबंध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ काफी बेहतर रहे। परंतु अब गठबंधन तो हो नहीं सका, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार हरियाणा चुनाव और दिल्ली की जनता पर केजरीवाल की वापसी क्या असर डालती है। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए oneworldnews.com।